कबीरगंज हनुमान मंदिर है। ये मंदिर है जो इस मंदिर के नाम से ही यहाँ जाना जाता है ये मार्केट। हेलो दोस्तों, आज हम पहुँच चुके हैं बापूनगर भीड़भंजन मार्केट। तो आज हम देखेंगे भीड़भंजन मार्केट का क्या है। काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से भीड़भंजन मार्केट में ख़रीदी करने के लिए आते हैं। यहाँ का फेमस बापूनगर का फेमस मार्केट है भीड़भंजन मार्केट। देखिए गाइस, ये यहाँ पे कपड़ों की दुकान है काफ़ी सारी अच्छी दुकानें हैं जो रीजनेबल रेट से हमें मिल जाती है, और काफ़ी अच्छे कपड़े भी हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं ख़रीदी करने के लिए। यहाँ जीन्स पैंट शर्ट तरह तरह की वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों के सबके कपड़े मिल जाते हैं। आप लोग भी आके ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी फेमस दुकानें हैं और हम भी एक फेमस दुकान पे आज जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो हमने काफ़ी समय से नाम सुना हुआ था, लेकिन आज हम वहाँ की विजिट करके देखेंगे कि क्या है वहाँ का सिस्टम। गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे दुकानें लगी हुई है, अंदर और बाहर भी लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है। तो देख सकते हैं सब्जी के काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। सारी चीज़ें हैं, काफ़ी वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कुछ सजाने के लिए भी है। गाइस, आप लोग अगर यहाँ पे खरीदी करने के लिए आते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठंडी की, अभी ठंडी का मौसम भी है तो ठंडी की चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ठंडी के कपड़े, जूते, चप्पल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आगे तक का मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है। आप लोग घूमने के लिए आ सकते हैं और ख़रीदी भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं बहुत आगे तक है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग भी आगे जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी है और यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ रहती हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारी दुकानें लारियां हैं लगी हुई है। अभी बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, हमें जहाँ जाना था बस अभी हम पहुंच चुके हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए है, काफ़ी सारे खिलौने हैं तो बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चों के अगर लेकर आएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये आ गए हैं जो जहाँ हमें आना था निकिता सिलेक्शन में। तो यहाँ तरह तरह के कपड़े हैं, अभी हम अंदर दुकान के अंदर देखेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं निकिता सिलेक्शन में। आप लोग देख सकते हैं तरह तरह की वैरायटी के कपड़े हैं। ये सब नई डिजाइनें हैं, सारी नई डिजाइनें आप देख सकते हैं। भैया, ये कितने कितने साल के बच्चों से
आपको एक साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चों का मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, एक साल से लेके 12-13 साल के बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। तो आप लोग भी आ सकते हैं बच्चों को लेके खरीदी करने के लिए। तो ये बापू नगर में ये जो निकिता सिलेक्शन है, तो यहाँ का ये फेमस था, तो आज हमने ये विजिट किया है निकिता सिलेक्शन में। तो दोस्तों हमारी खरीदी हो चुकी है, तो अभी चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज़ों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लेडीज़ों के लिए भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सभी के लिए, बच्चों के लिए भी काफ़ी खिलौने हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी कपड़े हैं, बच्चों के लिए टॉयस भी है, तो बच्चों के लिए टॉयस भी आप ले सकते हैं। तो बहुत आगे तक ये पूरा मार्केट है, तो आप लोग घूमते हुए खरीदी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है सिस्टम। और मार्केट बहुत आगे तक है, आप देख सकते हो काफ़ी आगे तक है मार्केट, और रोड के दोनों साइड में है, उस साइड में भी है। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमें भी कुछ मिल जाएगा अगर हमारे लायक, तो हम भी कुछ खरीद लेंगे। बाकी कपड़ों की खरीदी तो हो ही गई है, अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, घूम रहे हैं, देख रहे हैं सभी जगह, देखते हैं अभी आगे क्या है। और शाम का समय हो गया है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बढ़ते जा रही है। खरीदी करने के लिए आते हैं तो ज़्यादा टाइम लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोपहर से आए हुए थे और शाम हो गई है। तो अभी हम लोग चलते चलते आगे तक आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेडीज़ आइटमें बहुत सारी हैं, लेडीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मार्केट जस्ट अपने ये भीड़ भंजन हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, यानी भीड़ भंजन हनुमान मंदिर के नाम से ही जाना जाता है ये मार्केट। ये मंदिर, यही मंदिर है वो, जो उसी के जस्ट सामने ही है ये मार्केट। ये पूरा अंदर तक है, काफ़ी अंदर तक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारी वैरायटी की चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े ऐसे लेके, खाने पीने का भी है साथ साथ में, क्योंकि घूमते घूमते कुछ भी ले सकते हैं। 100 रुपये में साड़ी, बोलिए कितना सस्ता है, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो गाइस आप लोग भी आइए इस मार्केट का, खरीदी कीजिए और लोगों को खरीदी करवाइए। तो अभी हम लोग मार्केट के एंड तक आ गए, अभी यहाँ से हम लोग वापस यू टर्न लेके जाएंगे आगे, अभी हम रोड क्रॉस करके अब उस साइड से जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, और ये जो है ये भीड़ भंजन हनुमान मंदिर है, ये मंदिर है जो इस मंदिर के नाम से ही यहाँ जाना जाता है ये मार्केट। बहुत पुराना मंदिर है ये, तो आप लोग देख सकते हो गाइस, देखिए देखिए। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, अभी हमें अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम चलेंगे मार्केट की ओर, तो अभी हम चलेंगे आगे। तो अभी हम लोग देखिए अभी मार्केट में थोड़ा और आगे जा रहे हैं। यहाँ ठंडी भी है, तो फिर ठंडी के कपड़े के लिए भी लग गई है दुकानें, यहाँ ठंडी के कपड़े भी मिल रहे हैं, किसी को जैकेट चाहिए, शॉल चाहिए, तो काफ़ी वैरायटी की चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ठंडी के मोजे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम चलेंगे आगे, देखते हैं क्या है। तो गाइस आपने देखा, जिस तरह से हमने दोपहर से लेकर शाम हो गए हम पूरा घूमे, तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप अहमदाबाद बापूनगर से ही है तो कमेंट कीजिएगा, आप जिस भी सिटी से है वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।